गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहले वाली क्लासेस में हमने क्यूमुलेंट्स पढ़ा था। क्यूमुलेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए के एक्स टी यूज़ करते थे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव डन, द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ अबाउट द वेरिएबल्स एक्स वन से एक्स एन, उन सब का सम लेके चलते थे और उनको हम अलग अलग सम में अलग अलग से लिख सकते थे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है के आर के साथ जो ये बेस में है सारे वेरिएबल्स एक्स वन प्लस एक्स टू अप टू सॉन एक्स एन, उसको हम किसके इक्वल पुट करते थे, के आर एक्स वन प्लस के आर एक्स टू अप टू सॉन के आर एक्स एन। जैसे हमने मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन में पढ़ा था, अगर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन सम ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर लगता था तो हम उन सबको अलग अलग प्रोडक्ट में लिख सकते थे, एम ऑफ एक्स वन इंटू में एम ऑफ एक्स टू अप टू सॉन, लेकिन यहाँ पर प्लस में लिखते हैं। अब हम कर रहे हैं सेकेंड प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ऑरिजिन एंड स्केल ऑन द क्यूमुलेंट। मतलब क्यूमुलेंट के अगर हम ऑरिजिन चेंज कर दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा और स्केल चेंज कर दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा। अब हम ले रहे हैं कोई भी वेरिएबल यू, यू क्या यहाँ पे एक्स माइनस ए बाई एच, देन एम ऑफ यू। एम ऑफ यू क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि के एक्स टी क्या होता था, लॉग ऑफ एम एक्स टी, तो हम के एक्स टी पे काम करना है इसलिए पहले हम एम एक्स टी की वैल्यू निकाल लेते हैं। एम ऑफ यू टी लिया तो एम ऑफ एक्स टी क्या होता था, फॉर्मूला ई ऑफ अंडर ब्रैकेट में ई एक्स टी होता था, और वहाँ पे भी हमने पढ़ा था कि एम ऑफ यू टी इज़ इक्वल्स टू, वहाँ पे जो भी कांस्टेंट टर्म होगी वो ई की पावर से बाहर आ जाएगी। देखो यहाँ पे यू की जो वेरिएबल है वो क्या है, ए एच माइनस ए बाई एच है, और उसके साथ क्या लग जाता है एम एक्स टी में, टी और लग जाता है ई की पावर में, वो वाली पावर एक्स्ट्रा वाली पावर बाहर आ गई, ई की पावर माइनस ए टी एच हो गया। एंड एम ऑफ यू टी है उसके साथ क्या फॉर्मूला होता था, ई ऑफ ई बड़ा ई ब्रैकेट में ई ऑफ एक्स टी होता था, एक्स की जगह हमने क्या पुट किया, यहाँ पे यू चल रहा था, यू पुट किया, यू की वैल्यू जो है उसमें एक्स माइनस ए बाई एच आएगा, सिर्फ एक्स का कॉम्पोनेंट हम अंदर रखेंगे, इसने सिर्फ क्या रखा अंदर, देखना टी बाई एच बाहर रख दिया और टी बाई एच बाहर ले लिया इसने, क्यों, क्योंकि एक्स के साथ भी टी आएगा और एच भी आएगा और ए के साथ भी टी भी आएगा और एच भी आएगा, तो जो कॉन्स्टेंट टर्म थी जिसमें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो बाहर रख लिया और अंदर क्या रख लिया, एम एक्स ब्रैकेट टी बाई एच। ये हम अपने अकॉर्डिंग अंदर बाहर कर सकते हैं, इसको टी बाई एच लेना है, किसी को टी ए बाई टी एच लेना है वो भी ले सकते हैं। नाउ हम के एक्स टी पे काम कर रहे थे इसलिए दोनों साइड क्या लगाएंगे, लॉग, लॉग लगाएंगे तो लॉग ऑफ एम ऑफ यू टू यू टी इज़ इक्वल्स टू लॉग ऑफ फंक्शन। अब ये देखो लॉग ऑफ एम ऑफ यू टी क्या बन गया, के ऑफ यू टी, क्योंकि फंक्शन ही क्यूमुलेंट क्या था, लॉग ऑफ एम एक्स टी था, तो यहाँ पे यू चल रहा तो के ऑफ यू टी लिख दिया, इज़ इक्वल्स टू। अब तुमने पढ़ा होगा कि जो लॉग और ई है वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करके वन बना देते हैं, तो लॉग ई क्या बन गया, देखो पहले लॉग की प्रॉपर्टी लगाओ, लॉग ऑफ ए इंटू में बी क्या होती है, लॉग ऑफ ए इंटू में बी, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी, तो यहाँ पे लॉग ऑफ ये दो फंक्शन ई ऑफ माइनस ए टी इंटू में एम एक्स ऑफ टी बाई एच, ये दोनों प्रोडक्ट में चल रहे हैं तो दोनों पे लॉग अलग अलग अप्लाई होगा और बीच में प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पे लॉग ऑफ ई ए टी हो जाएगा माइनस ऑफ लॉग ऑफ ई ऑफ माइनस ए टी प्लस लॉग ऑफ एम एक्स टी टी बाई एच। फिर लॉग और ई दोनों, लॉग ई क्या होता है, वन होता है, तो जो पावर हो गया वो नीचे आ गया, ई ए माइनस ए टी बाई एच। अच्छा एक चीज़ देखो, ये माइनस ए टी बाई एच था यहाँ पे, इसने छोड़ दिया है गलती से, तो यहाँ पे एच कर लेना, ई की पावर में माइनस ए टी बाई एच है, इसलिए लॉग ई वन हो गया, इधर क्या बच गया माइनस ए टी बाई एच, और इसके साथ क्या आ गया लॉग ऑफ एम एक्स टी बाई एच, और लॉग ऑफ एम एक्स क्या होता है के एक्स, तो यहाँ पे बन गया के एक्स ऑफ टी बाई एच। यहाँ तक समझ आया। फिर हमने ये पढ़ा था के एक्स की एक्सपेंशन की थी, क्या की थी वहाँ पे, कि के यू टी को हम कर सकते हैं के वन डैश टी प्लस के टू डैश टी टी स्क्वेयर बाई टू फैक्टोरियल अप टू सोन, के आर डैश है यहाँ पे भी टी आर बाई आर फैक्टोरियल अप टू सोन, ये चलता रहेगा, तो दोनों तरफ से एक्सपेंड कर दिया इसने, इस साइड तो सिंपल है, राइट हैंड साइड में माइनस ए टी बाई एच है, माइनस ए टी बाई एच प्लस के एक्स टी बाई एच को क्या किया इसने, के एक्स टी बाई एच को भी एक्सपेंड करा, तो उधर क्या बन गया के वन टी बाई एच के टू टी एच स्क्वेयर टी एच का होल स्क्वेयर बाई टू फैक्टोरियल अप टू सॉन। अच्छा एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पे के डैश वन ले रखा है और दूसरी साइड राइट हैंड साइड में के वन लिख रखा है, क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि दोनों अलग अलग वेरिएबल है तो दोनों को के क्यूमुलेंट्स को हम अलग अलग से डिनोट करेंगे, तो इस यू के कॉम्पोनेंट्स को के वन डैश से डिनोट कर दिया और टी वाले एक्स के कॉम्पोनेंट्स को के वन और के टू, लिखा भी हुआ है वेयर के आर डैश प्लस
एंड के आर आर द आरथ क्यूमुलेंट ऑफ यू एंड एक्स रिस्पेक्टिवली. रिस्पेक्टिवली वर्ड लिखना ज़रूरी है. नाउ कंपेयरिंग द कोफिशियंट ऑन बोथ द साइड्स, टी की पावर को इकट्ठा कर लो. यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में टी की पावर है के वन डैश और राइट हैंड साइड में माइनस ए बाय एच प्लस के वन बाय एच है. तो इकट्ठा करके इसने के वन डैश की वैल्यू निकाली. ऐसे ही के आर डैश, तो इसने अब आगे देखा के टू डैश इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बन रहा है के आर, टी का कोफिशियंट देखना है तो एच स्क्वेयर बनेगा बस एक्स्ट्रा में एच की पावर. एक मिनट, हाँ टी बाय एच, एच नीचे है तो एच स्क्वेयर हो जाएगा टी बाय एच स्क्वेयर. ऐसे के थ्री निकालोगे, के थ्री डैश इज इक्वल्स टू के थ्री बाय एच का क्यूब. तो अब टू सॉन करने के बजाय इसने जनरलाइज कर दिया कि के आर डैश किसके इक्वल आ गया, के आर बाय एच आर, एच की पावर आर. तो ये हमारी एक सेकेंड प्रॉपर्टी थी, किसका, स्केल चेंज करना और ओरिजिन को चेंज करना. ओरिजिन को चेंज करने के लिए इसने ए यूज़ किया यहाँ पे और स्केल चेंज करने के लिए एच से डिवाइड कर दिया. दस वी सी दैट द एक्सेप्ट द फर्स्ट क्यूमुलेंट ऑफ ऑल द कंप्लेंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ ओरिजिन. मतलब हमने क्या नोटिस किया कि जो के वन डैश था उसी में चेंज आया, सिर्फ के वन माइनस ए. ओरिजिन का फ़र्क क्या पे हुआ, खाली के वन में हुआ, बाकी किसी में नहीं हुआ. बाकी सब में सिंपल के आर बाय एच आर है. तो इसका मतलब बाकी सब पे सिर्फ स्केलिंग का फ़र्क पड़ रहा है और फर्स्ट वाले पे ओरिजिन और स्केलिंग दोनों का है. फर्स्ट वाला के वन डैश है उसमें के वन माइनस ए है. ए क्या मेरा यहाँ पे ओरिजिन. ओरिजिन का मतलब ये है कि तुम अपनी तरफ से सेंटर कुछ भी ले सकते हो. यहाँ पे सेंटर ए लिया है, तुम बी भी ले सकते हो. जीरो लोगे तो सिंपल हो जाता है वो. तो ओरिजिन चेंज नहीं किया तुमने. यहाँ पे के वन माइनस ए किस पे फ़र्क पड़ा ओरिजिन का, के वन डैश पे पड़ा, बाकी किसी पे नहीं पड़ा. बाकी पे स्केलिंग का फ़र्क पड़ा. लिखा ना इसमें दस वी सी दैट एक्सेप्ट द फर्स्ट क्यूमुलेंट ऑल द क्यूमुलेंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट द क्यूमुलेंट्स आर नॉट इनवेरियंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल. मतलब इनवेरियंट का मतलब क्या हुआ कि नॉट इनवेरियंट का मतलब क्या हुआ, चेंज है. नॉट इनवेरियंट, इनवेरियंट का मतलब तो कोई चेंज नहीं होना और उसके आगे भी नहीं लिख दिया तो मतलब चेंज होना. तो टोटल लिख दिया इसने कि जो क्यूमुलेंट्स है उनके ऊपर स्केलिंग का फ़र्क पड़ रहा है. लिख दिया ना ऑफ चेंज ऑफ स्केल एज द आरथ क्यूमुलेंट ऑफ यू इज वन बाय एच आर टाइम्स द आरथ क्यूमुलेंट ऑफ एक्स. तो पेपर में आ सकता है राइट द राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ द क्यूमुलेंट और ये भी लिख सकते हैं शो द प्रॉपर्टी ऑफ बाय चेंजिंग द स्केल एंड ओरिजिन ऑफ द क्यूमुलेंट. ओके नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन. क्वेश्चन में लिखा हुआ है लेट द रेंडम वेरिएबल एक्स अज्यूम दैट द वैल्यू ऑफ आर, वैल्यू आर की मतलब आर पे वैल्यू निकाल रहा है. मैं बोल रही हूँ कि तुम बताओ कि तुमने 10 टाइम्स डाइस थ्रो किया तो सेवन्थ नंबर पे तुम्हारा क्या रिजल्ट मिला. तो यहाँ पे x इक्वल्स टू आर सेवन हो जाएगा वहाँ पे. तो इसने लिखा है कि हम किस पे लगा रहे हैं विद प्रोबेबिलिटी लॉ. यहाँ पे तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी गिवन है. डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोल रहा है, p ब्रैकेट में x इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू q की पावर r माइनस वन इन टू में p. ठीक है तुम्हें ये गिवन है. नेक्स्ट हमें निकालना है फाइंड द एम जी एफ ऑफ एक्स. तो एक तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालना है मतलब एम एक्स टी निकालना है. हैंस इट्स मीन एंड वेरियंस, मीन एंड वेरियंस निकालना है. तो तुम पहले नोटिस करो हमें क्या निकालना है, एम एक्स टी. एम एक्स टी का जनरल फॉर्मूला लिखोगे पेपर में क्या होता है, ई बाहर रहेगा ब्रैकेट ई टी एक्स. वहाँ पे तुमने अभी पढ़ा था कॉन्टीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में समेशन लगता था और कॉन्टीन्यूअस में इंटरवल लगता था. तो इंटरवल के लिए हम इंटीग्रेशन यूज़ करते थे. यहाँ पे तुम नोटिस करो कि जो तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दे रखा है, क्या दे रखा है, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू क्यू की पावर आर माइनस वन पी. आर कहाँ से क्या क्या वेरी कर रहा है, वन टू थ्री. तो वन टू थ्री मैंशन कर रखा है इसने. फाइंड द एम जी एफ ऑफ एक्स एंड फाइंड दिस. तो इसने डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ किया हुआ है. डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, समेशन. तो अभी हमें एम एक्स टी जब अप्लाई करेंगे एम एक्स टी पे क्या आएगा, ई ऑफ ई टी एक्स. तो क्या लगाएंगे, ई के लिए क्या लगाते हैं, यहाँ पे उसी टर्म से मल्टीप्लाई हो जाता है जो ब्रैकेट के अंदर होते हैं. तो ई टी एक्स से मल्टीप्लाई हो गया और ई का मतलब समेशन, समेशन लगा दिया. अच्छा एक चीज़ नोटिस करो, ऊपर आर लिखा हुआ है तो हम आर के अबाउट काम करेंगे. एक्स लिखा होता तो स्मॉल एक्स लिखा होता तो स्मॉल एक्स के काम करते थे. यहाँ पे क्यू की पावर आर माइनस वन है ना, आर वेरी कर रहा है तो समेशन भी किस पे चलेगा, आर पे. तो आर फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी. आर कहाँ से स्टार्ट है देखना क्वेश्चन में, वन टू थ्री अप टू सेवन. तो समेशन भी कहाँ से स्टार्ट होगा, आर फ्रॉम वन से इन्फिनिटी तक. अंदर आएगा ई टी आर तो यहाँ पे बन जाएगा ई के पावर के अंदर अगर सिंपल एक्स होता तो एक्स इंटू में पी एक्स हो जाता. यहाँ पे है ई की ई टी आर तो ई टी आर इंटू में पी आर हो गया. फिर पी आर क्वेश्चन में से देखो पी आर क्या है, क्यू आर की क्यू की पावर आर माइनस वन इंटू में पी, तो उसकी वैल्यू पुट कर दी पी आर की. फिर पी तो इंडिपेंडेंट है
देखो यहाँ से एक पी इंडिपेंडेंट है किससे, क्योंकि समेशन तो आर पे चल रहा है और पी के ऊपर कोई आर है ही नहीं, तो वो फ्री हो गया, वो बाहर आ गया। ऐसे क्यू की पावर आर माइनस वन है, तो माइनस वन का मतलब क्या है, क्यू एक क्यू की एक पावर नीचे है, तो वो बाहर ले ली इन्होंने पी बाई क्यू, तो अंदर क्या बचा, क्यू की पावर आर, समेशन ई टी आर इंटू में क्यू आर। अब क्या किया, दोनों दोनों में ही आर कॉमन था, तो दोनों की पावर आर ले ली और समेशन लिखा वन से इन्फिनिटी। अब वन से इन्फिनिटी लिखेंगे तो क्या बनेगा, पी बाई क्यू, आर को वन पुट करो क्या बनेगा, ई टी क्यू बनेगा। फिर टू पुट करेंगे, पावर इंक्रीज होती जा रही है। जब हम नोटिस करेंगे कि ये जी पी सीरीज़ है, तो पहले देखा सब में कौन सी टर्म कॉमन है, क्यू की पावर क्यू इंटू में ई की पावर टी, ये पूरी सारी टर्म्स में कॉमन है, तो वो बाहर निकाल लिया इसने, पी बाई क्यू ऑलरेडी चल ही रहा था। अंदर क्या बचा, जब क्यू की पावर ई टी बाहर निकालेंगे, वन प्लस क्यू की पावर क्यू इंटू में ई टी, ऐसे ही सबकी पावर एक एक कम हो जाएगी। फिर हम देखेंगे जी पी सीरीज़, जी पी सीरीज़ याद है कि जिसमें हम रेशियो काउंट करते थे, फर्स्ट टर्म का सेकंड टर्म का रेशियो निकालते थे, सेकंड टर्म को डिवाइड सॉरी फर्स्ट सेकंड टर्म को डिवाइड करो फर्स्ट टर्म से, तो क्या रेशियो बनेगा, क्यू ई टी। और ये सीरीज़ कौन सी है, इन्फिनिटी वाली, तो इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता था जी पी सीरीज़ का, ए बाय वन माइनस आर। तो ए क्या होता थी, फर्स्ट टर्म, आर क्या होता है, रेशियो। तो देखो यही फॉर्मूला, क्यू से क्यू तो यहाँ पे कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप में जब हम आते हैं, पी इंटू में ई टी बचा यहाँ पे, जब इस पे फॉर्मूला लगाएंगे ए बाय वन माइनस आर, तो क्या बनेगा, वन बाय वन माइनस आर क्या मेरा रेशियो, यहाँ पे सब में रेशियो क्या आ रहा है, ई की पावर टी इंटू में क्यू, तो वो लिखा और बाकी सॉल्व करके यहाँ लास्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट हम कर रहे हैं, अब हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था एम जी एफ निकालना है, देन क्या निकालना है, मीन एंड वेरियंस। तो हमें निकालना था मीन, तो तुमने फॉर्मूला पढ़ा था म्यू आर डैश इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव, हम एम एक्स सी का उतनी टाइम डेरिवेटिव करेंगे टी इक्वल टू जीरो पे। अब म्यू आर डैश तुमने पढ़ा है, म्यू आर डैश क्या होता है, आरथ मोमेंट अबाउट ओरिजिन। तो हमें मीन क्या होता है, फर्स्ट मीन क्या होता है, म्यू वन डैश, तो हम म्यू वन डैश की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आर को वन पुट कर दो, वन पुट करेंगे तो डी मतलब एम एक्स सी का एक बार डेरिवेटिव करना तुम्हें, तो एक बार डेरिवेटिव करते हैं, हमने वहाँ पे एम एक्स सी की वैल्यू क्या निकाली थी, पी इंटू में ई टी बाय वन माइनस ई टी की क्यू, तो हम इसको एक बार डेरिवेटिव कर देते हैं और बाद में क्या पुट कर देंगे, टी इक्वल्स टू जीरो पुट कर देंगे। तो देखो क्या बना, हमने क्वेश्चन टूल करा हुआ है, क्वेश्चन टूल क्या होता था, नीचे वाले का स्क्वेयर, फिर ऊपर वाला एज इट इज़, फर्स्ट ऊपर वाले का क्या करना, डिफरेंशिएशन माइनस, फिर नीचे वाले का क्या करना था, डिफरेंशिएशन, और वैसे u बाई v फॉर्मूला था ना, v स्क्वायर u v एज इट इज़ u का डेरिवेटिव माइनस v का डेरिवेटिव u एज इट इज़ बाय v का स्क्वायर, तो वो क्या हुआ यहाँ पे, ये तुम खुद कर सकते हो डिफरेंशिएशन। फिर जो भी आंसर आएगा उसमें क्या पुट कर देंगे, t को जीरो। अब तुमने पढ़ा है e की पावर जीरो वन, किसी की भी पावर जीरो होती है तो वो वन हो जाता है, तो यहाँ पे मैंने सब जगह e की पावर, इसको पूरा अच्छे से सॉल्व करने के बजाय e की पावर जीरो को वन बना दिया, और फिर जब सॉल्व किया तो तुम्हारा बचा p बाय वन माइनस क्यू का होल स्क्वायर। अब तुमने ये भी पढ़ा हुआ है कि p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू वन, तुम्हें याद होगा वन बाई थ्री अगर p की वैल्यू है तो q की वैल्यू कैसे निकालते थे, वन में से उसको माइनस कर देते थे, q आ जाता था, तो वन माइनस क्यू क्या हो गया, एज अ होल p स्क्वायर हो गया, तो p बाय p स्क्वायर को कैंसिल करोगे तो आंसर आ गया तुम्हारा वन बाय p। तो ये क्या आ गया तुम्हारा, फर्स्ट आ गया तुम्हारा मीन। अब हमारा आ गया, देखो यहाँ पे वही चीज़ निकाल रखी है, म्यू वन डैश लिखा हुआ है, एम एक्स टी पी ई टी वन माइनस, ये हमने कर लिया। अब हमें निकालना था मीन एंड वेरियंस, वेरियंस का फॉर्मूला होता था तुम्हें याद हो तो, म्यू टू डैश निकालना है, म्यू टू डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, दोबारा डेरिवेटिव कर देंगे, एम एक्स का एक बार हो चुका डेरिवेटिव, दोबारा डेरिवेटिव कर देंगे, दोबारा डेरिवेटिव मैं कर नहीं रही हूँ तुम खुद करोगे, दोबारा डेरिवेटिव करोगे तो तुम्हारा क्या फॉर्मूला आएगा, ये सॉल्व करके आ जाएगा पी इंटू में ई टी वन प्लस क्यू ई टी बाय वन माइनस क्यू ई टी का होल क्यूब। फिर आगे क्या करना है, टी को जीरो पुट करना है, टी को जीरो पुट करेंगे, ये तो देखो एम एक्स डैश जीरो, ये हमारा हो चुका है, ये म्यू वन डैश निकाल रहे हैं, म्यू टू डैश इज इक्वल्स टू डबल डेरिवेटिव में जीरो पुट करना है, तो जीरो पुट किया इसने डबल डेरिवेटिव में, तो तुम्हारा आंसर आ गया वन प्लस क्यू बाय पी स्क्वायर। और वेरियंस क्या होता था, म्यू टू होता था, तो हम किसका यूज़ करते थे, म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का स्क्वायर, तो वही क्या है, म्यू टू की वैल्यू निकालनी थी, म्यू टू डैश की हम ऊपर निकाल चुके हैं, उसकी वैल्यू पुट कर दी और म्यू वन की वैल्यू पुट कर दी, दोनों को सॉल्व किया तो तुम्हारा क्या आ गया, वेरियंस। तो पेपर में ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं जिसमें तुम्हें क्या दे देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन दे देंगे, वहाँ से मीन वेरियंस और एम जी एफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बल्कि प्रॉपर्टीज़ तो कम चांसेस हैं, प्रॉपर्टीज़ आ जाते हैं तुम्हारे चार चार नंबर में, ये वाला आ सकता है ज़्यादा नंबर में, तो इसको अच्छे से कर लेना। आज के लिए इतना ही, बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो तुम ग्रुप पे मुझे बता सकते हो।
ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था जिसमें हमने MGF निकाला, वेरिएंस निकाला एंड मीन निकाला। सो थैंक यू।